हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे 50-50 बिस्किट से एक बढ़िया सा स्टार्टर, और इसको बनाना बड़ा ही आसान है। तो इसको बनाने में भी बहुत मजा आने वाला है और खाने में भी बहुत मजा आएगा। और जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें डिवाइन खाना को, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोज ऐसे ही लाते रहें। और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टफिंग भरनी है ना इसके अंदर, दो बिस्किट के अंदर स्टफिंग भरेंगे वो बनाते हैं। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं पहले पनीर। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना पनीर पसंद है। ज़्यादा पनीर पसंद है तो ज़्यादा डाल लेना। हमने मतलब ठीक ठाक अमाउंट में डाला था, कद्दूकस करके डाला है पनीर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च। हम ना सब चीज़ें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ही डाल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कम क्वांटिटी में बनाने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप ज़्यादा ज़्यादा डाल सकते हो। और थोड़ी सी हमने इसमें डाल दिया प्याज, ये भी हमने एक चम्मच के करीब डाला। और एक चम्मच ही हमने इसमें स्वीट कॉर्न डाला, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डाल रहे हैं सारा कुछ। अगर कम लगेगा बाद में और बना लेंगे, फिलहाल के लिए हम थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं सारा। तो थोड़ा सा हमने इसमें धनिया भी डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी काली मिर्च। अब लास्ट में हम क्या करेंगे ना, इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं पड़ी हुई ना, तो आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हो। हमने पिज़्ज़ा सॉस डाली थी, ताकि थोड़ा सा ना, मतलब पिज़्ज़ा सॉस काफ़ी तीखी होती है तो बढ़िया सा टेस्ट आएगा। आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हो, और मिर्च डाल लेना तो वैसे भी काम चल जाएगा। अब ये वाला स्टार्टर बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 50-50 वाले बिस्किट। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको कौन से वाले ज़्यादा पसंद है। मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हमने ये वाले यूज़ किए हैं। तो अब ना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम बचा नहीं है। बस एक बिस्किट उठाओ, उस पर थोड़ी सी स्टफिंग रखो, गोला बना के उसको थोड़ा सा दबा के सेट कर लो। एक ऊपर उसके और बिस्किट रखो, और साइड्स भी ऐसे अच्छे से दबा दबा के ना एक सार कर लो, और बढ़िया सा अपना बिस्किट तैयार कर लो ऐसे। अब इसकी शेप दे लेते हैं थोड़ी सी, ताकि ना ये सारी साइड से एक सार सा हो जाए और चिपक जाए बढ़िया आराम से ऐसे। हमने इसमें पनीर वगैरह डाला हुआ है ना, तो ये ऐसी फिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसको। अब बस ऐसी एक एक करके सारे पीसेस बनाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन लो स्टफिंग का, उसका गोला सा बना के पहले उस पर बिस्किट के ऊपर रखो, और उसके ऊपर एक और बिस्किट रख दो बस। तो बस ऐसे ही एक एक करके हमने सारे पीसेस बना के रख लिए। तो अब ना हम एक घोल तैयार करेंगे। हमने इसके ऊपर कोटिंग करने वाले हैं, जो हमने बिस्किट तैयार करके रखे हैं ना, तो वो बनेगा घोल। तो हम ना 3 से 4 चम्मच डालेंगे मैदा, और एक चम्मच हमने इसमें डाला, 1 से आधा चम्मच मान लो अरारोट। अब बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे, और एक बढ़िया सा घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना, एक साथ सारा पानी ऐड मत कर देना। तो ये ना बिल्कुल पतला सा घोल बनाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। बस इतना सा है कि अच्छे से डिप हो जाएंगे हमारे, कोट हो जाएंगे जो हमारे बिस्किट है। तो बस सिंपली अब एक पीस उठाओ बिस्किट का, जो हमने बना के रखे हुए हैं, उसको इस घोल में डिप करो, अच्छे से डिप कर दो, सारी साइड्स अच्छे से कवर हो जाए, मतलब अच्छे से कोट हो जाए सारी साइड्स। बस निकाल लो बाहर, थोड़ा सा नुचड़ने दो, जो मतलब एक्स्ट्रा बच जाएगा ना घोल, मतलब जो लगा हुआ है वो थोड़ा सा नुचड़ जाएगा। इसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम में डाल देंगे, और उसकी कोटिंग कर देंगे बढ़िया। बस ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल सा काम है, अच्छे से कोट कर देना ब्रेड क्रम के साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, बढ़िया कोट हो गया। बस ऐसे ही एक एक करके सारे बिस्किट कोट करेंगे हम। तो बस सेम स्टेप रिपीट करते जाना है। एक पीस को उठाओ, उसको डिप करो, पहले ये जो हमने घोल बना रखा है इसमें डिप कर दो। तो बस यहाँ पे ना एक बात का ध्यान रखना, जिस हाथ से आप घोल में डिप कर रहे हो ना बिस्किट को, वो सेम हाथ ना, मतलब कि जब आप ब्रेड क्रम लगाओगे ना, कोट करोगे ब्रेड क्रम की, तब वो सेम हाथ मत यूज़ करना। तो इससे क्या होगा ना, ब्रेड क्रम आपका सारा ख़राब हो जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना दूसरा हाथ यूज़ करना, मतलब एक हाथ से आप घोल में डिप करो, और दूसरे हाथ से आप उसकी ब्रेड क्रम से कोटिंग करो। तो बस ऐसे ही एक एक करके हमने सारे पीसेस बना के रख लिए। अब चाहो तो ना आप इनको ऐसे ही तल दो। अगर आप इसको थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रख दोगे ना, तो थोड़े ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे, पर हमसे इतना वेट नहीं हुआ। हमने इसको ऐसे ही तल दिया बिना फ्रिज में रखे। तेल हमने पहले से गर्म कर रखा था, एक एक करके पीस डालते आते हैं और इनको तल देते हैं बढ़िया। हमने पहले फ्लेम को हाई पे रखा हुआ था, जब हमने सारे पीसेस डाल दिए ना इसमें, उसके बाद हमने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया था। तो बस ऐसे ही फ्लिप करते रहना है, सारी साइड्स अच्छे से पका लेनी है। तो जब आपको लगे ना कि इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया, अच्छे से पक चुका है बाहर से जो ब्रेड क्रम हमने लगाया था, तो बस इनको बाहर निकालने का टाइम आ गया। हमने इसको थोड़ा सा गार्निश भी कर देते हैं अच्छे से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कद्दूकस करा रखा हुआ था हमारा पनीर, थोड़ा सा वो रख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस भी बची पड़ी थी, थोड़ी सी वो भी लगा दी ऊपर, टेस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा आएगा, थोड़ा और स्पाइसी हो जाएगा। स्वीट कॉर्न भी बचे पड़े थे, तो हमने सोचा ये भी रख देते हैं, ऊपर काम आ जाएंगे नहीं तो वेस्ट जाएंगे, तो वो रख दिया थोड़े से। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया भी रख दिया। तो लीजिए, हमारा 50-50 बिस्किट का बढ़िया सा स्टार्टर बन के तैयार हो चुका है। और ये सही बताऊँ ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया था। तो हमने मोस्टली ऐसी
यूनिक यूनिक चीज़ें ही बनाते रहते हैं, जो देखने में तो लगता है कि ये पता नहीं कैसा टेस्ट करेगी, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता होता है हर एक चीज़ का। तो अगर आपका भी मन है ना कुछ अलग सा ट्राई करके देखने, तो आप भी ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना और कमेंट करके बताना जब आपने बना के देखी तो आपके वाली कैसी बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।